नमस्कार, 10 मिनट किचन में आपका स्वागत है। 7 अनाज भूनने की सीरीज में आज हम गेहूं भूनेंगे। ये गेहूं मैंने पैकेट में से ऐसे ही निकाल लिए हैं। इनमें कुछ भी नहीं लगाना है पानी, यानी डायरेक्ट कढ़ाई में डालना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपको गेहूं की धानी कैसी लगी। इस गेहूं की धानी के ऊपर आप चीनी भी लगा सकते हो, गुड़ भी लगा सकते हो। ये बहुत टेस्टी बनती है और बच्चों को तो खास तौर से बहुत पसंद है। तो आइए गेहूं की धानी बनाना शुरू करते हैं। हमने गैस के ऊपर एक कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें हम नमक डालेंगे। ये नमक बार बार यूज किया हुआ है इसलिए इसका कलर थोड़ा डार्क हो गया है। अगर आपके पास कोई बेक एक वाला नमक है तो आप भी उसको यूज कर सकते हैं। देखिए, लग रहा है ना बिल्कुल रेत के जैसा। बार बार यूज करने से समुद्र की पानी की जो नमी होती है वो नमक में से बिल्कुल निकल जाती है। नमक हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें इतने इतने थोड़े थोड़े करके गेहूं डालेंगे और इसको चलाएंगे। लगातार चलाना है। देखिए, गेहूं हमारे भुन रहे हैं, इसमें से भुनने की आवाज आ रही है। गेहूं भुन गए हैं, अब हम इनको ऐसे छान लेंगे। देखिए, कलर बिल्कुल चेंज हो गया है गेहूं का, एकदम लाइट हो गया है। अब हमने दूसरे राउंड के गेहूं भी डाल दिए हैं। अच्छे भुन रहे हैं गेहूं, आवाज आ रही है इनमें से भुनने की। कभी भी जरूरत पड़ जाती है पूजा वूजा के लिए 7 अनाज भुनने की तो आप घर पे ही भून लीजिए। हमने 7 अनाज भून के बताए हैं। ये हमारे चैनल पे 10 मिनट किचन पे आप एक जगह देख सकते हो 7 अनाज। अब हम इनको इस तरह से छान लेंगे। ये देखिए, हो गया ना इनका कलर बिल्कुल चेंज। अब हम इनको सबको छान लेंगे। गेहूं हमारे बहुत अच्छे भुन गए हैं। देखिए कितने फूले हैं, ये कितने अच्छे लग रहे हैं, एकदम कलर चेंज हो गया इनका। ये बिना भुने हुए हैं, इनका कलर देखिए। अब आप खुद ही देख लीजिए, ये भुने हुए और ये बिना भुने हुए। ये इतने टेस्टी लगते हैं, बच्चे इसे बहुत शौक से खाते हैं। इसके ऊपर गुड़ की चाशनी भी चढ़ाई जाती है, चीनी की चाशनी भी चढ़ाई जाती है और बहुत टेस्टी लगते हैं। तो एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा। गेहूं भूनिए, खाइए, खिलाइए और कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखना। बाय बाय।